ये एक जिन नाम की लड़की की स्टोरी है जो बहुत ही कम उम्र में पैसे कमाने के लिए हर छोटे से बड़े काम को कर लेती है। वो इतनी हार्ड वर्कर होती है कि बहुत ही कम समय में एक बहुत बड़े कंपनी का बॉस बन जाती है, लेकिन उसके डेस्टिनी में तो कुछ और ही लिखा होता है। स्टोरी की शुरुआत में एक हिलती हुई कार नजर आती है, जैसे कि उसमें कुछ हो रहा हो। तभी सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है, जहां एक बार में गो नाम का लड़का काम करता है जो इस स्टोरी का मेन हीरो है। तभी वो जिन को देखता है जो उसी बार में बैठकर अपना काम कर रही होती है और साथ में वो ड्रिंक भी कर रही होती है। जिन इतना ज्यादा ड्रिंक कर लेती है कि उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा होता है। और उधर से गु जिन को देख रहा होता है, फिर भी वो उसे इग्नोर करता है। जिन किसी तरह उठकर वहाँ से बाहर आती है, तभी जिन को एक शराबी इंसान देख लेता है और कहने लगता है, हाय ब्यूटी क्यून, कैसी हो, चलती हो क्या, चलो दोनों आज साथ में सोते हैं। वो जिन के साथ काफी सेक्सी सेक्सी बातें करने लगता है कि तभी वहाँ पे गु आ जाता है और जिन को जल्दी से खींच कर अपनी तरफ कर लेता है, जिससे वो शराबी इंसान साइड में जाके गिर जाता है। और यहाँ पे जिन भी नशे में होती है, वो जो ही गु को देखती है तो वो उसके साथ रोमांस करने लगती है और बोलती है, तुम कितने हैंडसम हो। लेकिन गु तो एकदम से शांत होके वहीं पे खड़ा होता है। तभी जिन गु को किस करने लगती है। गु को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो एक बहुत ही सीधा साधा सा लड़का होता है। गु जैसे तैसे करके जिन को उसके गाड़ी में लेके आता है और सीट बेल्ट लगा रहा होता है, लेकिन वो फंस जाता है तो वो उसे निकालने लगता है। तभी जिन जानबूझकर सीट को नीचे कर देती है, जिसकी वजह से गाड़ी हिलने लगती है। गु जिन को उसके घर लेके आता है तो जिन घर आते ही जल्दी जल्दी पानी पीने लगती है, लेकिन वो काफी ड्रंक होती है, जिसकी वजह से वो एक शीशे का ग्लास गिरा देती है और वो ग्लास उसके पैर में गिरने वाला ही होता है कि तभी गु एक बार फिर से जिन को बचा लेता है। लेकिन जिन काफी नशे में होती है और वो फिर से जाने की कोशिश कर रही होती है, तो इस बार गु उसे अपने गोद में ही उठा लेता है और बेडरूम में ले जाके बेड पे उसे सुला देता है और वहां से जाने लगता है। तभी जिन गु का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी तरफ खींच लेती है और बोलती है, क्या मैं तुम्हें इतनी अच्छी लगती हूँ। तभी वे दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देखने लगता है और जिन फिर से गु को पकड़ कर किस करने लगती है। तभी सुबह हो जाती है और दिखाया जाता है इस स्टोरी का सेकेंड मेन हीरो को, जिसका नाम मिस्टर जय होता है और ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी का बॉस होता है, लेकिन ये कोई भी काम बिना प्रॉफिट का नहीं करता है। गु जब सोके जागता है तो देखता है वो बिना कपड़े का ही सोया होता है और उसके सारे कपड़े साइड में रखा होता है। तो गु अपने कपड़े को लेने की कोशिश करने लगता है, तभी वो देखता है कि जिन जो अपने मैनेजर से बातें कर रही होती है। तब तक ये दोनों भी गु को कपड़े लेते हुए देख लेता है, तो जिन रूम के अंदर आ जाती है और गु को देखकर अपने मैनेजर से कहती है, जाओ इसके लिए कपड़े लेके आओ। तो उसका मैनेजर बहुत सारे कपड़े को लेकर आ जाता है, जिसके बाद जिन गु के पास जाके बैठ जाती है तो गु उसे दूर हटने लगता है और जिन से पूछता है, कल रात हम दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या। तो जिन बोलती है, क्या तुम स्टूपिड हो, हम दोनों अब एडल्ट हैं, तो हम दोनों के बीच क्या हो सकता है। जिस पर गु कहता है, मिस जिन, क्या आप मुझे मेरे कपड़े दे सकते हैं। तो जिन कहती है, ठीक है, तुम अपने कपड़े चेंज कर लो। जिन अपने मैनेजर को यहाँ से बाहर निकाल देती है और खुद भी पीछे मुड़कर खड़ी हो जाती है ताकि गु कपड़े चेंज कर सके। और जिनका मैनेजर वहीं दरवाजे से लगकर दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रहा होता है। इधर गु जिनको कहता है, थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना किया, लेकिन अब मुझे जाना होगा। जिस पर जिन कहती है, इतनी भी जल्दी क्या है, वैसे तुम अभी कहाँ जाने वाले हो। तो गु टाइम को देखकर बोलता है, स्कूल। ये सुनते ही जिन के साथ साथ उसके मैनेजर भी शॉक्ड हो जाता है और जिन उसे देखकर सोचने लगती है, मैंने प्यार किया भी तो एक स्कूल के बच्चे से। लेकिन गु जो अभी दिख रहा होता है ये नहीं, बल्कि इसका असलियत तो कुछ और ही होता है। अब जिन को पता होता है कि गु एक हाई स्कूल बॉय है, फिर भी वो हर रोज उसी बार में आके गु से मिलने लगती है। एक दिन तो वो गु के स्कूल उसे रिसीव करने आ जाती है, तो गु भी उसके गाड़ी में आके बैठ जाता है और जिन को कहता है, मैंने उस दिन आपको थैंक्स तो बोल दिया था ना, फिर भी आज आप यहाँ आ गए। अब तो जिन को कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो अब क्या बहाना बनाए। तभी गु सीट बेल्ट को लगाने लगता है और फिर से सीट बेल्ट फंस जाता है। तो गु जिन को कहता है, मिस जिन, आपको नहीं लगता है कि आपको अपने सीट बेल्ट को ठीक कराना चाहिए। लेकिन जिन कोई जवाब नहीं देती है, वो चुपचाप गाड़ी को चलाने लगती है
और गुस्से फिर कहती है, क्या तुम्हें नहीं जानना कि लास्ट नाइट हम दोनों के बीच क्या हुआ था। ये सुनते ही गु कहता है, थैंक यू मुझे यहाँ तक लिफ्ट देने के लिए। वो गाड़ी से निकलकर चला जाता है। तो जिन घर आके अपने मैनेजर से कहती है, अब मैं क्या करूं? वो तो मुझे मिस जिन कहता है। लेकिन जिन भी एक परफेक्ट बिजनेस वुमेन होती है, वो किसी तरह पता लगा कि जैसे ग्रुप के कंपनी के ऑनर के पास आ जाती है। ये एक बहुत बड़ी कंपनी होती है जिसके लिए जिन अपनी पूरी उम्र भी हार्ड वर्क कर ले फिर भी वो इस कंपनी तक नहीं पहुंच सकती है। इसीलिए वो उस कंपनी के बॉस से मिलती है और कहती है, मुझे आपके कंपनी के कुछ शेयर चाहिए। तो जैसे ग्रुप का बॉस कहता है, ठीक है मैं तुम्हें अपने कंपनी का शेयर दूंगा, लेकिन मेरे तीनों बेटों में से किसी एक से तुम्हें मैरिज करना होगा। तो जिन कहती है, ठीक है मैं आपके तीनों बेटों में से किसी एक से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद जिन उसके घर आ जाती है, जहाँ पे जेसी ग्रुप के बॉस के ये दोनों बेटे जिनको इम्प्रेस करने के लिए अपना अपना टैलेंट दिखाने लगता है, जो बहुत ही बकवास होता है। तभी वहाँ पे उस घर का तीसरा बेटा आ जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि गु होता है। और ये बात जिन को पहले से पता होता है, क्योंकि वो पूरी प्लानिंग करके यहाँ आई थी। जिनको देखते ही गु कहता है, मिस जिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो जिन उठकर गु के पास जाने लगती है और गु से कहती है, चलो शादी करते हैं। ये सुनते ही गु एकदम से शॉक्ड हो जाता है और उसे भी ज्यादा शॉक्ड तो गु के दोनों बड़े भाई हो जाता है, क्योंकि गु अपने घर में सबसे छोटा होता है। लेकिन सच तो ये है कि गु भी जिन को कई सालों से पसंद करता है, लेकिन वो तो बस उसे इग्नोर करने का एक्टिंग कर रहा होता है। तभी जिन गु के दोनों भाइयों से कहती है, सॉरी मैं आप दोनों से नहीं बल्कि गु से शादी करूंगी, क्योंकि मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। वैसे भी आप दोनों मेरे अंकल के एज के हैं। तभी गु जिन को लेकर एक कॉफी शॉप में आ जाता है और जिन से पूछता है, आप मुझसे क्यों शादी करना चाहते हैं? तो जिन कहती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मेरे पास भी बहुत सारे पैसे हैं। अगर बाय चांस फ्यूचर में हम दोनों डिवोर्स लेते हैं तो मेरी आधी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी। और तुम भूल गए क्या उस रात हम दोनों के बीच क्या हुआ था? ये सुनते ही गु कहता है, मिस जिन उस रात हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था, उल्टा आपने तो मेरे कपड़ों पे वोमिटिंग भी कर दी थी और मुझे ही हर जगह किस किए जा रहे थे। ये बोलकर गु यहाँ से चला जाता है। इधर मिस्टर जे का फ्रेंड डू मिस्टर जे को बताता है कि जिन गु से शादी करने वाली है, वे दोनों एक दूसरे से फिर से मिल गए हैं। इधर गु अपने कजन हनी के साथ बैठा होता है, जहाँ पे वो हनी को बताता है कि मैं जिन के बातों में नहीं आने वाला, वो एक बहुत ही चालबाज लड़की है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है और मुझसे भी उसे सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी ही चाहिए। जिस पर हनी गु को बोलती है, हो सकता है कि जिन तुम्हें सच में प्यार करती हो। ये सुनते ही गु यहाँ से उठकर चला जाता है। इधर जिन को बार बार उस रात की बातें याद आ रही होती है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाती है। तभी नेक्स्ट डे गु लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा होता है और उसके सामने बैठा एक कपल अपने ही रोमांस में बिजी होता है। ये देखकर गु उसे डांटने लगता है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये लाइब्रेरी है। गु उसे डांट ही रहा होता है कि तब तक वहाँ पे जिन पहुँच जाती है और गु को कहती है, हाय हैंडसम कैसे हो। उसे देखकर गु एकदम से शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जिस पर जिन चिल्ला के बोलती है, मैं तुमसे शादी करने के लिए आई हूँ। ये बातें लाइब्रेरी में सभी सुन लेता है, जिसकी वजह से गु यहाँ से उठकर चला जाता है। तो जिन कहती है, कोई बात नहीं। गु जब यहाँ से जा रहा होता है कि तभी वहाँ के सारे स्टूडेंट गु को शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है। गु को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। तभी उधर से जिन एक बहुत ही प्यारी मैरी की ड्रेस पहनकर आती है, जिसे गु बस एक टक से देखता ही रह जाता है। तो उधर से जिन भी चिल्ला के बोलती है, गु चलो शादी करते हैं। ये सुनते ही गु फिर से वहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे से जिन चिल्लाते हुए आ रही होती है कि तभी वहाँ का गार्ड जिन को पकड़ लेता है और उसे पूछताछ करने लगता है। तभी उधर से गु भी देख लेता है और वो आकर गार्ड को झूठ बोलता है कि सर ये लड़की ड्रामा का रिहर्सल कर रही थी। वो किसी तरह जिन को यहाँ से बचा कर ले जाता है और जिन से पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो जिन कहती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनते ही गु को और गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जिन अब एक कदम भी नहीं चल पा रही होती है, क्योंकि उसके पैर में बहुत ही जोर से चोट लगी होती है। ये देखकर गु वापस आता है और जिन को उठाकर अपने गोद में ले जाता है और वही रास्ते में एक बेंच पे बैठा देता है और जिन को कहता है, अपने मैनेजर को बुलाइए, वो आपको यहाँ से ले जाएगा। ये सुनकर जिन रोने लगती है। उसे रोता देखकर भी गु यहाँ से चला जाता है। तभी जिन के पास उसका मैनेजर आता है और कहता है, मैम ये वन साइड लव है ना, चलिए घर चलते हैं, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ,
लू गाड़ी लेने को जाता है, तभी उधर से गु एक साइकिल लेके आता है और जिनके पास आकर उसके जूते को खोलने लगता है और एक कंफर्टेबल जूते पहना देता है और जिनको कहता है मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे गु जिन को बार में पहली बार देखा था और उसे देखते ही उसे प्यार कर बैठा। तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे गु की ये बातें को सुनकर जिन काफी खुश हो जाती है और गु के साथ उसके साइकिल पर बैठ के जा रही होती है। तभी नेक्स्ट डे गु जिनके साथ उसके घर पर लिविंग रिलेशनशिप में रहने के लिए आ जाता है, जहाँ पे जिन गु को कहती है मैं तुम्हारे डैड को कॉल करके बता देती हूँ कि हम दोनों बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं। ये सुनते ही गु कहता है तुम इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाहती हो, मेरा अभी भी 22 इयर्स होने में 7 डेज बाकी है। गु की बातें को सुनकर जिन एकदम से शॉक्ड हो जाती है और गु को दूसरे रूम में ले जाते हुए कहती है अब हम 7 दिनों के बाद ही एक साथ रहेंगे और उसी दिन शादी करेंगे। इधर मिस्टर जे का फ्रेंड डू हमेशा जिन और गु के इन्फॉर्मेशन मिस्टर जे को देता रहता है और हनी मिस्टर जे के कंपनी का ही एम्प्लॉय होती है और मिस्टर जे को खेलने का सामान देने को आती है। तभी वो अनजाने में ही मिस्टर जे को काफी जोर से चोट लगा देती है जिसकी वजह से हनी काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है तो फिर से मिस्टर जे को चोट लग जाता है। तभी मिस्टर जे का फ्रेंड डू हनी को कहता है वहीं पे रुक जाओ तुम कौन हो, तो हनी पीछे मुड़ते ही सारे स्टिक को नीचे गिरा देती है और हाथों से अपने फेस को कवर कर लेती है ताकि मिस्टर जे उसे पहचान ना सके और सॉरी बोलकर यहाँ से भाग जाती है। ये देखकर मिस्टर जे डू से कहता है इस लड़की के बारे में पता लगाओ कौन सी ब्रांच में काम करती है। इधर जिन का मैनेजर गु के डैड के पास आकर जिन और गु के लव स्टोरी के बारे में बताता है, जहाँ पे ये सब जानने के बाद गु के डैड कहता है मैं हमेशा से यही चाहता था कि जिन मेरे घर की बहू बने। गु के डैड ऐसा क्यों बोल रहा था ये स्टोरी के आगे पता चलेगा। इधर जिन को डाउट होता है कि गु अपने उम्र को लेकर मुझसे झूठ बोल रहा है। वो रात को गु के रूम में आ जाती है जब गु सो रहा होता है और उसके सामान की तलाशी लेने लगती है लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता है, तो वो गु के पास आकर उसकी पॉकेट में हाथ घुसाकर आईडी निकालने लगती है। तभी गु जाग जाता है और मुड़कर जिन के पास आ जाता है जिसके बाद दोनों आधी रात को एक दूसरे के सामने बैठा होता है, जहाँ पे गु जिन को अपना आईडी निकालकर दिखाता है और बोलता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, 7 दिनों के बाद मैं 22 इयर्स का हो जाऊंगा। जिसके बाद दोनों शादी का इंतजार करने लगता है कि कब 7 डेज बीते और हम दोनों एक दूसरे से शादी कर सके। उसी बीच में जिन गलती से गु के रूम में एक बार आ जाती है, उस समय गु कपड़े चेंज कर रहा होता है तो जिन जल्दी से वहां से भाग जाती है और फिर से आके कहती है तुम बहुत ही हैंडसम हो। ये सुनकर गु हंसने लगता है। फाइनली वो दिन आ जाता है जहाँ पे दोनों काफी एक्साइटेड होता है और जल्दी जल्दी अपना वर्क कंप्लीट करके मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो खिंचवाने पहुँचता है, जहाँ पे जिन गु के शर्ट के कॉलर ठीक करने लगती है और दोनों फोटो खिंचवा के एक हैप्पी कपल की तरह जा रहा होता है कि तभी जिनके फोन पे कंपनी से इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए कॉल आता है। वो जल्दी से गाड़ी में जाके बैठ जाती है कि तभी वहाँ पे भागते हुए गु भी आता है। वो जिन को रिंग देना चाह रहा होता है, तभी जिन कहती है कि मैं मीटिंग से जल्दी घर वापस आ जाऊंगी लेकिन अभी हमें अपने मैरिज को कुछ दिनों के लिए सीक्रेट रखना होगा। ये सुनते ही गु काफी इमोशनल हो जाता है और रिंग को छुपा लेता है और जिन यहाँ से चली जाती है और कंपनी में आके मीटिंग को अटेंड करती है और फिर से जाकर मिस्टर जे से मिलती है क्योंकि ये दोनों मिलकर इस कंपनी को चलाता है। तभी मिस्टर जे जिन को कहता है मैंने सुना कि तुम एक हाई स्कूल के लड़के से शादी करने वाली हो, जिस पर जिन कहती है तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मिस्टर जय तो गु को कई सालों पहले से जानता है, इसे पता होता है कि गु कौन है। इधर गु जिन के लिए बहुत ही प्यार से डिनर बना रहा होता है और जिनके घर आने का इंतजार करने लगता है और इंतजार करते करते वही टेबल पे सो जाता है। जिन जब घर आती है तो उसके पैरों की आहट को सुनकर गु उठ जाता है और जिनके इतने लेट से घर आने पर गु गुस्से से यहाँ से उठकर जाने लगता है तो जिन गु का हाथ पकड़ लेती है और उसे बाथरूम में लेके आती है, जहाँ पे वो जिन को कहती है देखो मैंने हम दोनों के लिए डेली यूजेस का सामान कपल सेट खरीदा है। जिन गु को सारे सामान दिखाने के बाद उसे बाहर लेके आती है और एक चेयर पे बैठा देती है और घर के अंदर जाके घर के सारे लाइट्स को ऑफ कर देती है और फिर गु के लिए बर्थडे केक लेके आती है
और गुको कहती है, मैं चाहती हूँ कि आपका पूरा जीवन खुशियों से भर जाए, आप जो चाहते हैं आपको वो सब मिले। ये सब सुनने के बाद गु जिनको और ज्यादा पसंद करने लगता है और जिन भी बार बार घड़ी को देखकर गु को बर्थडे विश करने लगती है, ये देखते ही गु जल्दी से जिन को जाके किस करने लगता है, जिससे दोनों को काफी शर्म आ रही होती है। तो जिन जल्दी से लाइट को ऑन कर देती है और वहाँ से जल्दी से भागकर बाथरूम में आकर और ज्यादा मेकअप लगाने लगती है। इधर गु भी आज काफी ज्यादा खुश होता है कि तभी उधर से जिन एक कॉन्ट्रैक्ट का पेपर लेके आती है और गु को कहती है, हम दोनों अपने मर्जी से किस या हग कर सकते हैं, लेकिन हम में से जो भी पहले डिवोर्स मांगेगा उसे अपनी 50% प्रॉपर्टी देना होगा। डिवोर्स का नाम सुनते ही गु को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है और यहाँ से उठकर अपने रूम में चला जाता है। इधर हनी मिस्टर जे के कैबिन में आके उसके प्लांट में पानी दे रही होती है कि तभी उधर से मिस्टर जे भी आ रहा होता है। मिस्टर जे को आते देखकर हनी जल्दी से मिस्टर जे के कैबिन में ही जाके छुप जाती है। मिस्टर जे जो ही कैबिन में आता है तो उसे पता चल जाता है यहाँ पे जरूर कोई आया है। वो जाके जो ही देखता है तो हनी फिर से अपने फेस को कवर करके यहाँ से भागने लगती है और भागने के चक्कर में ही वो मिस्टर जे के बैम्बो प्लांट को गिरा देती है, जिस प्लांट को मिस्टर जे काफी पसंद करता था। तभी प्लांट के गिर जाने पर हनी मिस्टर जे से माफी मांगने लगती है, लेकिन मिस्टर जे हनी को कुछ नहीं बोलता है। इधर गु के डैड वादे के मुताबिक जिन को अपने कंपनी का 50% शेयर नहीं देता है, तो जिन गु के डैड के पास जाके कहती है, मैंने आपके बेटे से शादी कर ली, अब आपको भी अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए। तो गु के डैड जिन को कहता है, मैं आपको अपने कंपनी का शेयर तभी दूंगा जब आप मेरे बंस को एक साल के अंदर एक बारिश देंगे। ये सुनते ही जिन कहती है ठीक है, वो यहाँ से उठकर चली जाती है और जब ऑफिस से घर जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठी होती है कि तभी उधर से गु भी आता है और गाड़ी में आकर बैठ जाता है और जिनके पास आके उसे किस करना चाह रहा होता है, तभी गाड़ी का हॉर्न बजने लगता है और जिनका ये सपना टूट जाता है क्योंकि जिन सपना देख रही होती है। और इधर घर में गु जिनके लैपटॉप से कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चुरा रहा होता है कि तभी जिन घर आ जाती है और उसके पैरों की आहट को सुनकर तो गु जल्दी से जिनके लैपटॉप से अपना पेन ड्राइव को निकाल लेता है। जिन जो ही उस रूम में आती है तो गु को अपना लैपटॉप चलाते देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है और गु से जब पूछती है, ये तुम क्या कर रहे थे, तो गु झूठ बोलता है कि वो मेरा एग्जाम आने वाला है ना, इसीलिए मुझे थोड़ा पढ़ाई करनी थी, लेकिन मुझे इस लैपटॉप का पासवर्ड नहीं पता है। तो जिन जाके उसमें अपना पासवर्ड डालने लगती है, लेकिन जिनको तो पता ही नहीं होता है कि गु सोशल मीडिया का एक हाईटेक हैकर है। जिन उसी दिन गु के लिए एक नया लैपटॉप खरीद के ला देती है और गु को देखकर सोच रही होती है कि ये तो खुद अभी एक हाई स्कूल का लड़का है, ये मुझे बेबी कैसे दे सकता है। इधर हनी एक कॉफी शॉप में भी पार्ट टाइम जॉब करती है, तभी वहाँ पे मिस्टर जे भी आता है तो हनी उसे देख लेती है और बहुत ही डिफरेंट टाइप की कॉफी को ले जाकर मिस्टर जे को देने आती है और वो सारी गलतियों के लिए सॉरी भी बोलती है। तो मिस्टर जे कहता है कोई बात नहीं। मिस्टर जे एक कॉफी को लेकर बिल पे करने जाता है, ये देखते ही हनी उसे पैसे देने से रोक रही होती है कि तभी वो फिर से एक चेयर से टकरा कर मिस्टर जे पे ही गिर जाती है, जिसकी वजह से मिस्टर जे के हाथों से उसका फोन भी नीचे गिर जाता है। तो हनी जल्दी से मिस्टर जे के फोन को उठा लेती है तो देखती है वो फोन टूट गया होता है, जिसकी वजह से हनी मिस्टर जे से माफी मांगने लगती है। तो मिस्टर जे हनी को कहता है, क्या मुझे एक कप कॉफी और मिल सकता है। तो हनी तुरंत मिस्टर जे को कॉफी देती है और मिस्टर जे हनी को बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है, क्योंकि मिस्टर जे अब हनी को पसंद करने लगा था। इधर जिन गु के साथ बैठकर रोमांटिक फिल्म देखने का प्लान बनाती है ताकि वो गु के और नजदीक आ सके, लेकिन एक भी रोमांटिक मूवी नहीं मिलता है तो जिन खुद ही गु के साथ रोमांस करने लगती है और वे दोनों किस कर ही रहा होता है कि तभी जिन को छींक आ जाती है और जिन के पूरे रोमांस का कचरा हो जाता है। तभी दोनों एक साथ बाहर घूमने आता है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है कि तभी गु जिन को वहीं बैठने को कहकर खुद जाके जिन के लिए एक कैंडी लेके आता है। तभी कैंडी को देखकर जिन गु को कहती है, मुझे किस करो, जिस पर गु कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो, ये एक पब्लिक प्लेस है। तो जिन बोलती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम मेरे हस्बैंड हो और मुझे एक बहुत ही प्यारा सा बेबी चाहिए।
लेकिन ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती। ये दोनों बातें कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक छोटी बच्ची फ्लावर्स बेचते हुए आती है और जिनको कहती है, अगर आप मेरे ये फ्लावर्स को खरीद लेते हैं तो आपको बेबी होने में ये हेल्प करेगा। ये सुनते ही जिन हंसने लगती है और उस छोटी बच्ची से उसका फ्लावर्स का टोकरी खरीद लेती है और उस टोकरी में से एक बुके को निकाल कर गु को देती है। तो गु उसे जो ही लेता है कि तभी उसे फिर से चक्कर आने लगता है और फ्लैशबैक में उसे कुछ चीजें दिखाई देने लगता है। अचानक से गु के साथ ऐसा होते देख कर जिन गु से पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है? वो किसी तरह गु को घर लेके आती है और नेक्स्ट डे कंपनी में आके हनी से गु के बचपन की बातें पूछने लगती है। तो हनी बताती है कि जब गु 17 साल का था तो किसी ने उसके सर में कील से मारा था। उस समय उसका सही से इलाज नहीं हो पाया और कुछ दिनों के बाद उसकी मॉम का डेथ भी हो गया, जिस वजह से गु के सौतेले भाई ने गु से जबरदस्ती उसकी सारी प्रॉपर्टी को ले लिया। ये सारी बातें जानने के बाद जिनको तो काफी बुरा लगता है कि गु के साथ लोगों ने कितना जुल्म किया। तभी वहाँ से उठकर हनी पानी पीने के लिए आती है कि तभी उधर से वहीं पे मिस्टर जे भी आ जाता है। उसे देखते ही हनी उसे बोलती है, आप वहीं पे रुक जाइए नहीं तो फिर से कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वो जा ही रही होती है कि तभी उधर से डू आ जाता है और डू से टकराकर हनी फिर से मिस्टर जे के ड्रेस पर पानी को गिरा देती है। ये देखते ही वो तुरंत मिस्टर जे को सॉरी बोलने लगती है तो मिस्टर जे भी उसे बोलता है, कोई बात नहीं। ये सुनते ही हनी वहाँ से भाग जाती है और इधर गु जिनसे मिलने उसके कंपनी में आता है कि तभी दोनों को साथ देखकर जिनका मैनेजर लू दोनों से छिपने लगता है और जिन गु को अपने कैबिन में लेके जाती है। और इधर जिनके कैबिन में पहले से ही डू होता है और उसके कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स का फोटो ले रहा होता है कि तभी वहाँ किसी के आने की आहट सुनाई पड़ती है। तो वो जल्दी से जाके वही एक कबर्ड में छिप जाता है। वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि जिनका मैनेजर लू आता है और वो भी छिपने की जगह ढूंढ रहा होता है ताकि वो छिपकर जिन और गु के रोमांटिक फोटो खींच सके। तभी वो कवर्ड का डोर खोलता है तो देखता है वहाँ पे पहले से डू होता है। उसे देखकर लू तो काफी शॉक्ड हो जाता है कि तभी लू को भी किसी की आने की आहट सुनाई पड़ती है। तो वो भी जल्दी से कवर्ड के दूसरे साइड जाके छिप जाता है लेकिन उसका कोट बाहर ही अटक जाता है। तभी वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि हनी जिनको ढूंढते हुए आती है और किसी को नहीं देखकर वो यहाँ से जा रही होती है कि तभी वो कोट को देख लेती है और जो ही डोर को खोलती है तो लू को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। तो लू खुद से ही डोर को बंद कर देता है। तो हनी फिर से डोर को खोलने लगती है लेकिन लू अंदर से डोर को पकड़ लिया होता है। तो हनी जाके दूसरे साइड का डोर खोलती है तो देखती है वहाँ पे मिस्टर जे का फ्रेंड डू छिपा होता है। दोनों को देखकर हनी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी जिन गु को लेकर कैबिन में आ जाती है जिसकी ऐसे डू तुरंत हनी को भी कवर्ड के अंदर कर लेता है। उसी वक्त जिनको कॉल आता है और वो बातें करने बाहर चली जाती है। तो गु अकेला पाकर फिर से जिनके लैपटॉप में अपना पेन ड्राइव को लगाकर कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है। इधर डू गु को ऐसा करते देखकर जल्दी जल्दी उसका फोटो खींचने लगता है। उसी वक्त जिन कैबिन में वापस आ जाती है तो गु जिनका ध्यान भटकाने के लिए उसके साथ रोमांस करने लगता है। तभी वे दोनों को रोमांस करते देखकर अब लू दोनों का फोटो खींचने लगता है ताकि वो दोनों का रोमांटिक फोटो गु के डैड को भेज सके। तभी दोनों को फोटो खींचते देखकर हनी भी अपने फोन से फोटो खींचने लगती है कि उसी वक्त मिस्टर जे का फ्रेंड डू वहीं पे फाट कर देता है जिसकी वजह से वे तीनों ज्यादा देर तक वहाँ पे नहीं रुक पाता है और तुरंत तीनों के तीनों बाहर आ जाता है जिसकी वजह से जिन और गु का रोमांस वहीं पे रुक जाता है। तभी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर जे अपने फ्रेंड डू को काफी डांटता है और कहता है, तुम वहाँ पे क्या करने गए थे? तो डू मिस्टर जे से सॉरी बोलता है और कहता है, मैंने वहाँ देखा कि गु जिनके लैपटॉप से कुछ चोरी कर रहा था। इधर जिन भी अपने मैनेजर लू को डांटती है और कहती है, किसने कहा था तुम्हें हम दोनों का छिपकर फोटो खींचने को? जिस पर लू कहता है कि मुझे गु के डैड ने आप दोनों का रोमांस का फोटो भेजने को कहा था। ये सुनते ही जिन लू से कैमरा को लेकर जाके गु को किस करने लगती है और साथ में फोटो को भी खींच रही होती है कि तभी वहाँ पे मिस्टर जे आ जाता है और जिन को किस करते देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। और इधर जिन लू को कहती है, क्या ये पिक्चर काफी है कि तुम्हें और चाहिए?
वो जाके चेयर पे बैठ जाती है कि तभी उसके पास मिस्टर जे आता है और कहता है कि गो तुम्हें धोखा दे रहा है, वो तुम्हारे लैपटॉप से कुछ इम्पोर्टेंट डेटा चुरा रहा था। ये सुनते ही जिन कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो, वो मेरा हस्बैंड है, वैसे भी इस कंपनी के बॉस तुम नहीं मैं हूँ, मैंने तो तुम्हें इसलिए पार्टनर बनाया क्योंकि 5 साल पहले तुमने मेरे जान बचाए थे। ये सुनते ही मिस्टर जे को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से जाने लगता है कि तभी फिर से रुक जाता है और जिनको कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ इसके नाते ना सही, लेकिन कंपनी के सुरक्षा के लिए एक बार CCTV कैमरा जरूर चेक करना। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। तभी इधर हम देखते हैं जहाँ पे गो अपने सौतेले भाई को जिनके लैपटॉप से निकाला हुआ सारा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उसे दे देता है, क्योंकि गो का सौतेला भाई गो से प्रॉमिस किया होता है कि अगर तुम जिनके लैपटॉप से उसके सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मुझे लाके दोगे तो मैं तुम्हारी माँ का घर लौटा दूंगा। तभी गो वादे के मुताबिक अपने सौतेले भाई से अपनी माँ का घर मांगता है तो वो उल्टा गो को ही एक जोरदार थप्पड़ बैठा देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बातें करने की। अब तो गो को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने सौतेले भाई को दबोच लेता है और कहता है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं पे खत्म कर सकता हूँ, लेकिन गो उसे छोड़ देता है और यहाँ से चला जाता है। इधर जिन CCTV कैमरा को चेक कर रही होती है जहाँ पे वो देखती है कि गो उसके लैपटॉप से सारा डेटा को चुरा रहा है। ये देखकर जिन को खुद पे ही काफी गुस्सा आता है कि मैं गो से कितना प्यार करती हूँ लेकिन वो तो मुझे धोखा दे रहा था। फिर भी जिन वो सारे फुटेज को डिलीट कर देती है और गो जब घर आता है तो उसके गालों पे चोट के निशान को देखकर जल्दी से उसे दवाई लगाने लगती है और गो से पूछती है, कल तुम अचानक से मेरे ऑफिस क्यों आ गए थे। तो गो कहता है, मैंने तुम्हें बताया ना, मैं सिर्फ तुमसे मिलने गया था। अब जिन समझ जाती है कि गो मुझे कुछ नहीं बताने वाला है। तभी जिन को कॉल आता है कि उसके डैड हॉस्पिटल में भर्ती है। ये जानते ही जिन तुरंत गो को कहती है कि मेरे डैड हॉस्पिटल में भर्ती है, मुझे जाना होगा, कल की मीटिंग तुम संभाल लेना। ये है कल की मीटिंग का सारा डिटेल्स। जिन गो को सारा डिटेल्स देकर यहाँ से चली जाती है और गो को तो अब खुद पे ही काफी गुस्सा आता है और सोचता है जिन मुझ पे कितना ट्रस्ट करती है लेकिन मैं तो उसे धोखा दे रहा था। इधर जिनके डैड हॉस्पिटल में है ये वाली बात झूठ होती है क्योंकि जिन गो को एक और मौका देना चाह रही होती है। इधर गो पहले से ही जिनका सारा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अपने भाई को दे चुका होता है जिसकी वजह से गो ये मीटिंग को हार जाता है। इधर मिस्टर जे को जो ही पता चलता है कि उसका कंपनी मीटिंग को हार गया है वो तुरंत जिन के पास आके उसे कहता है, तुम इतना इम्पोर्टेंट काम गो को कैसे दे सकती हो। तो जिन कहती है, मैं ये मीटिंग जानबूझकर हारी क्योंकि मुझे पहले से पता था कि उस जमीन की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये बोलकर वो जो ही बाहर आती है तो देखती है वहाँ पे पहले से गो जिनका इंतजार कर रहा होता है। जिन जो ही वहाँ आती है तो गो उसे कहता है, बारिश होने वाली है इसीलिए मैं तुम्हारे लिए छाता लेके आया हूँ। लेकिन जिन कोई जवाब नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है और एक कॉफी शॉप में आके अपना काम कर रही होती है और उसी कॉफी शॉप के गेट पर गो बारिश में खड़ी होकर जिन का आने का इंतजार कर रहा होता है। और जिन जो ही बाहर आती है तो गो उसे देखते ही तुरंत छाता को खोल देता है और जिन को कहता है, मैं तुम्हें वो सारी बातें बताना चाहता हूँ। जिसके बाद दोनों उसी कॉफी शॉप के अंदर आ जाता है जहाँ पे गो जिन को वो सारी बातें बता देता है। गो की बातें को सुनने के बाद जिन कहती है, अच्छा तो तुम अपने फायदे के लिए मेरे पास आए थे लेकिन मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जिन यहाँ से गुस्से से उठकर चली जाती है तो गो भी घर आता है तो देखता है वही टेबल पे डिवोर्स का पेपर रखा होता है। उसे देखते ही गो जल्दी से जाके जिन के डोर को जोर जोर से नॉक करने लगता है और बोलता है, मिस्टर जिन दरवाजा खोलिए, मैं आपसे डिवोर्स लेने के लिए शादी नहीं किया था। तभी जिन बाहर आ जाती है और कहती है, तुमने मेरा फायदा उठाया। जिस पर गो भी बोलता है, क्या मैंने तुम्हारा फायदा उठाया, उस दिन तो तुमने ही मुझे ऐसे पकड़ ली थी और मुझे हर जगह किस किए जा रही थी। तभी वे दोनों लड़ाई करते करते इतने करीब आ जाता है कि गो फिर से जिन को किस कर रहा होता है तो जिन उसे धक्के दे के वहाँ से उठ जाती है और उसे मारकर अपने रूम के अंदर चली जाती है। और थोड़ी देर के बाद ही जिन फिर से गो के रूम में आ जाती है। उसे देखकर गो कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जिन कहती है, मेरे रूम का हीटर खराब हो गया है इसीलिए आज रात मैं यहीं पे सोऊंगी। वो रूम के अंदर जाके गो के बेड पे सो जाती है तो गो भी वहीं साइड में सो जाता है।
कि तभी तुरंत जिन गु के पास आके उसे पकड़कर सो जाती है। ये देखकर गु कहता है, जिन उठो और साइड में जाके सो जाओ। तभी जिन गु को देखकर काफी जोर से चिल्लाने लगती है और उसे बेड पर से धक्के देकर नीचे गिरा देती है और उल्टा गु को बोलती है, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। लेकिन गु को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आज इसे हो क्या गया है। फिर भी वो जिन को कुछ भी नहीं बोलता है और जिन के रूम में सोने के लिए आ जाता है कि तभी वो वहाँ पे जिन की एक तस्वीर को देखता है। वो जो ही तस्वीर को देखता है तो उसे फिर से पहले की बातें याद आने लगता है। उसी वक्त जिन का कॉल आता है। वो कॉल को जो ही उठाता है तो भागते हुए जिन के पास आता है, जहाँ पे जिन ठंड के मारे कांप रही होती है क्योंकि पूरे घर का हीटर खराब हो गया होता है। और जिन को ठंड बर्दाश्त नहीं होती है कि तभी गु बेडशीट को लेकर जिन को उठा देता है और पूरी रात जिन को अपनी बाहों में रखता है। सुबह में जब जिन की आंखें खुलती है तो गु को अपने पास देखकर उसे किस कर लेती है और वहां से भागकर अपने रूम में आ जाती है और खुशी की मारे झूमने लगती है। और वहीं बाहर से गु जिन से पूछ रहा होता है कि मिस जिन, क्या आप ठीक हैं? तभी थोड़ी देर के बाद जिन अपने रूम से बाहर आती है तो गु देखता है उसके ड्रेस का जिप खुला हुआ है। तभी वो तुरंत जिन के पास जाके उसके जिप को लगाने लगता है। तभी जिन जानबूझकर ऐसी हरकत करती है जिसे देखकर गु उसे किस करने लगता है और उसके जिप को लगा देता है। तो जिन गु को बाय बोलकर ऑफिस चली जाती है। इधर मिस्टर जे काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि कोई उसका इज्जत नहीं करता, ना ही जिन और ना ही गु के डैड। तभी वहाँ पे हनी आ जाती है और मिस्टर जे को देखकर कहती है, आप अभी तक घर नहीं गए। तभी मिस्टर जे उठ जाता है और हनी को कहता है, तुम जब भी मेरे पास आती हो तो मेरे लिए बैड लक लेके आती हो। जिस पर हनी कहती है, तो ठीक है मैं जा रही हूँ। वो ऐसी मूर्ति है कि उसके हेयर से मिस्टर जे को काफी जोर से चोट लग जाती है। तभी मिस्टर जे हनी के कंधे पर ही गिर जाता है तो हनी उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है, फिर भी वो नहीं उठता है। तो हनी उसे किसी तरह यहाँ से ले जाती है। इधर गु जिनकी मैनेजर लू से जिनके बारे में ही पूछताछ कर रहा होता है, जहाँ पे लू उसे बताता है कि 5 साल पहले जिनको किसी ने फ्रीजर के एक ट्रक में बंद कर दिया था। यहाँ पे ये दोनों बातें कर रहा होता है और उधर से मिस्टर जे का फ्रेंड डू छुपकर दोनों की बातें सुन रहा होता है। इधर हनी मिस्टर जे को एक रूम में लेके आती है और सोफे पर गिरा देती है, जिससे मिस्टर जे को काफी जोरों से चोट लग जाता है। तो हनी उसे संभालने लगती है कि तभी मिस्टर जे हनी के ड्रेस पे ही वॉमिटिंग कर देता है। ये देख के हनी तो काफी जोरों से चिल्लाने लगती है। जब वो ड्रेस को साफ करके आती है तो देखती है मिस्टर जे सोफा पे नहीं होता है, तो वो मिस्टर जे को ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि मिस्टर जे बालकनी में जाके बैठा है। तो जिन मिस्टर जे के पास जाती है, जहाँ पे मिस्टर जे रो रहा होता है और बोलता है कि इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है। ये सुनने के बाद हनी उसे दिलासा देने लगती है कि तभी दोनों की आंखें लग जाती है। सुबह में जब मिस्टर जे जागता है तो देखता है हनी उसके कंधे पे सो रही होती है, तो वो हनी को उठाने लगता है और बोलता है, हनी उठ जाओ, सुबह हो गई है। हनी जो ही अपनी आंखें खोलती है तो सामने मिस्टर जे को देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाती है। इधर गु को जिनकी लाइफ के बारे में जो ही पता चलता है तो वो जिनका और ज्यादा ख्याल रखने लगता है और उसके लिए खाना बना रहा होता है और खाना बना के जिनको कहता है, चलो खाना खाते हैं। तो जिन कहती है, मुझे भूख नहीं है। जिस पर गु जिन को अपनी गोद में उठा लेता है और खाना खिलाने के लिए लेके आता है। तो जिन कहती है, मैं कितनी बार कहूँ कि मुझे भूख नहीं है। वो अपने रूम में चली जाती है। इधर मिस्टर जे जो ही अपने कैबिन में आता है तो देखता है हनी उसके प्लांट में पानी दे रही होती है, जिस पर मिस्टर जे उसे कहता है, ये प्लांट तुम्हें कहाँ से मिला, मैंने तो इसे फेंक दिया था। जिस पर हनी कहती है, आपने इसे क्यों फेंक दिया, ये अभी भी ठीक है, अगर आप इसे रोज धूप में रखेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ये बोलकर हनी यहाँ से चली जाती है और फिर से आके कहती है, मिस्टर जे प्लांट को धूप में रखना मत भूलिएगा। तो मिस्टर जे भी हनी की बातें को मानकर उस बैम्बू प्लांट को धूप में रख देता है। इधर जिन गु के साथ डांस करने का प्लान बनाती है और डांस करते करते गु के पास आती है तो गु कहता है, ये सब क्या है। जिस पर जिन कहती है, बुद्धू ये पार्टी वाला डांस है। जिन ऐसा इसलिए कर रही होती है ताकि गु उसके और पास आ जाए और दोनों के बीच की नजदीकियां खत्म हो जाए।
लेकिन डांस करते करते जिनको हंसी आ जाती है, जिसकी वजह से वो यहाँ से भाग जाती है और हनी से मिलने आती है, जहाँ पे जिन हनी को कहती है मुझे गू के लाइफ के बारे में सब जानना है। तो हनी उसे बताती है गू जब 17 साल का था तब वो किसी लड़की को प्यार करता था और उससे ही शादी भी करना चाहता था। इधर मिस्टर जे हनी को पसंद करने लगा था, जिसकी वजह से वो हनी का बायोडेटा चेक कर रहा होता है, जहाँ पे उसे पता चल जाता है कि हनी गू की कजन है। तभी उसे भी कुछ फ्लैशबैक की बातें याद आता है, जहाँ पे मिस्टर जे पहले एक हाई स्कूल टीचर हुआ करता था और गू उसका स्टूडेंट था। इधर जिन गुस्से की मारे पागल हो रही होती है कि तभी वहाँ पे गू आता है और आते ही बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है, तो जिन भी उसके पीछे आती है और गू को पकड़ कर कहती है तुम बेबी क्यों नहीं चाहते हो, अब मैं समझ गई, क्योंकि तुम पहले किसी लड़की से प्यार करते थे और उससे ही शादी करना चाहते थे, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों किया। ये सुनते ही गू जिनको कहता है जैसा तुम चाहो अब वैसा ही होगा, वो जिनको अपने गोद में उठा लेता है और लेके बेडरूम में आता है और बेड पर ले जाके जिनको किस करने लगता है। तो जिन कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, तो वो फिर से जिनको किस करने लगता है और जिनको बहुत ही प्यार से पकड़ कर कहता है मैं सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता हूँ और उसका नाम है मिस्टर जिन, जिसके बाद वे दोनों किस करने लगता है और दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों एक हैप्पी कपल की तरह साथ में कुकिंग कर रहा होता है कि तभी जिन को भी कुछ फ्लैशबैक की बातें याद आने लगता है। तभी जिन के ऐसे बिहेव को देखकर गू उसे पूछता है क्या हम दोनों पहले मिल चुके हैं, तो जिन कहती है मुझे नहीं पता, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी गू सबूत को ढूंढने लगता है कि आखिर हम दोनों के साथ हुआ क्या था। और इधर से मिस्टर जे का फ्रेंड डू छुप कर गू पे नजर रखा होता है और जाके मिस्टर जे को बताता है कि गू सबूत को ढूंढ रहा है कि 5 साल पहले क्या क्या हुआ था, जिस पर मिस्टर जे कहता है क्या होगा अगर गू के डैड को पता चल जाए कि गू के साथ जो भी हुआ था उसके पीछे मेरा हाथ था। तभी मिस्टर जे को भी 5 साल पहले की बातें याद आता है, जहाँ पे वो एक हाई स्कूल का ड्राइंग टीचर था और गू को ड्राइंग सबमिट करने में थोड़ा देरी हो जाने के कारण मिस्टर जे उसका ड्राइंग सबमिट नहीं करता है, जिसकी वजह से वे दोनों में काफी बहस होने लगती है। इधर जब भी गू जिन का वो वाला फोटो देखता है तो उसे चक्कर आने लगता है। तभी गू देखता है कि फोटो के पीछे कुछ लिखा होता है, लेकिन वो गू का ही हैंड राइटिंग होता है। जब गू जिन से उस तस्वीर के बारे में पूछता है तो जिन कहती है मुझे नहीं पता कि ये तस्वीर किसने खींचा था, ये बोलकर वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। इधर लंच टाइम में हनी अकेले बैठकर लंच कर रही होती है कि तभी उसे मिस्टर जे देख लेता है और भागते हुए डू के पास आता है और उसका खाना लेकर हनी के पास जाकर बैठ जाता है, क्योंकि मिस्टर जे हनी को अब पसंद करने लगा था। तभी मिस्टर जे हनी को कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मिस्टर जे हनी को वो सारी बातें बता देता है जो भी गू के साथ 5 साल पहले हुआ था और कहता है मैं जिन से प्यार करता था लेकिन मेरी मॉम ने जिन के डैड से शादी कर ली, जिसकी वजह से मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। ये सारी बातें जानने के बाद हनी तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और मिस्टर जे हनी को वो सारी बातें बताकर काफी रिलैक्स महसूस करने लगता है, जैसे कि उसके सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया हो। मिस्टर जे यहाँ से उठकर चला जाता है तो हनी भी जल्दी से गू के पास आके कहती है मुझे पता चल गया कि 5 साल पहले तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। उस दिन तुम्हारे भाइयों के साथ लड़ाई हुई थी और जब तुम स्कूल गए तो वहाँ के एक टीचर से भी तुम्हारी लड़ाई हो गई, लेकिन ये तो आधी ही इन्फॉर्मेशन होता है क्योंकि मिस्टर जे जानबूझकर हनी को आधी ही बात बताई होती है। ये सारी बातें जानने के बाद गू हनी को लेकर उस जगह आ जाता है जहाँ पे वो 5 साल पहले जिन से पहली बार मिला था। गू हनी को कहता है देखो ये फोटो, मैं जिनका यहीं पे फोटो खींचा था। गू को तो अब विश्वास नहीं होता है कि 5 साल पहले वो जिस लड़की से प्यार करता था वो जिन थी, लेकिन बाद में दोनों के साथ क्या हुआ ये आगे की स्टोरी में पता चलेगा। अब तो गू खुशी के मारे भागते हुए जिन के ऑफिस आता है और उसे देखते ही जाके जल्दी से हक कर लेता है। जिन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आज गू को हो क्या गया है, बल्कि जिन को तो इतने सारे लोगों के सामने हक करते देख कर काफी शर्म आ रहा होता है कि तभी तुरंत गू जिन को किस भी करने लगता है। ये देख कर ऑफिस के सारे एम्प्लॉय वहाँ से भागने लगता है और लू मौका देखते ही दोनों का फोटो खींचने लगता है। जिन किसी तरह गू को किस करने से रोकती है, जिस पर गू बोलता है क्या तुम्हें पता है 5 साल पहले भी हम दोनों मिले थे और वो तुम्ही थी जिससे मैं प्यार करता था। ये दोनों बातें कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे मिस्टर जे आ जाता है
और जिनको कहता है बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए आपको जल्दी आना होगा। तो जिन गुको कहती है तुम मेरा इंतजार करना, मैं मीटिंग खत्म करने के बाद तुमसे मिलने आऊंगी। जिन मिस्टर जे के साथ मीटिंग रूम में आ जाती है, जहाँ पे मिस्टर जे जिनको कहता है मीटिंग आधे घंटे के बाद शुरू होगा, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। 5 साल पहले आपके साथ जो भी कुछ हुआ था वो सब के पीछे गुको हाथ है। मिस्टर जे जिन को कुछ सबूत भी दिखाता है ताकि जिनको यकीन हो जाए। इधर गो कॉफी शॉप में बैठा होता है, वो आज काफी खुश होता है और जिनका आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जिन आती है तो उसे देखते ही गो काफी खुश हो जाता है और जिन से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें और कुछ याद है उस दिन क्या क्या हुआ था। जिस पर जिन कहती है मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, मुझे और ज्यादा काम करना है इसलिए मैं जा रही हूँ। जिन की बातें को सुनकर गो काफी इमोशनल हो जाता है कि तभी जिन फिर से आती है और गो को कहती है मेरा फोटो दो, तो गो उसे फोटो दे देता है और जिन उसे लेकर यहाँ से चली जाती है और फोटो देखते हुए जा रही होती है और उस दिन को याद कर रही होती है जहाँ गो के पास पैसे नहीं थे तो जिन ने दोनों के आइसक्रीम के लिए पैसे पे की थी। जिन सारी बातें को याद कर ही रही होती है कि तभी उसके पीछे से बहुत ही तेजी से एक साइकिल आता है और जिनको धक्का मारने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पे गो आकर जिनको बचा लेता है। जिनको काफी ठंड लग रही होती है तो गो उसे स्कार्फ बांध देता है और यहाँ से चला जाता है। गो को जाते देख कर जिन सोचती है कि गो मेरे जान लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। वो तुरंत गो को आवाज लगाने लगती है और भाग के गो के पास आ जाती है और दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़कर यहाँ से जाने लगता है। तभी नेक्स्ट डे जिन गो को कहती है कि हमें लगता है कि हम दोनों को पिछली सारी बातें को भूल जाना चाहिए और एक नई लाइफ की शुरुआत करना चाहिए। तो गो भी इसके लिए मान जाता है कि उसी वक्त गो का स्टेप ब्रदर गो को कॉल करके मिलने बुलाता है। जब वो वहाँ जाता है तो उसका स्टेप ब्रदर गो को एक फोटो देता है और कहता है 5 साल पहले तुमने ही जिनको उस फ्रीजर वाले ट्रक में बंद किया था और हम सब भी वहीं पे थे। तो गो कहता है मैं ऐसा क्यों करूंगा। जिस पर उसका स्टेप ब्रदर कहता है क्योंकि तुम्हें पता चल गया था कि तुम्हारे मॉम का बिजनेस अब जिन टेक ओवर करेगी, इसीलिए तुम्हें गुस्सा आ गया था और तुमने उसे ट्रक में बंद कर दिया। ये सारी बातें जानने के बाद गो को तो बहुत ही बड़ा झटका लगता है। तभी इधर जिन को भी कुछ बुरा फील हो रहा होता है तो वो अपने मैनेजर को कहती है जाओ गो को ढूंढो। इधर मिस्टर जे को गो का स्टेप ब्रदर कॉल करके कहता है गो को कुछ भी याद नहीं है, अब हम सब मिलकर उसे फंसा सकते हैं। इधर जिन काफी परेशान होती है क्योंकि गो अब तक घर नहीं आया होता है और ना ही कॉल उठा रहा होता है, तो जिन खुद ही गो को ढूंढने निकल जाती है। मिस्टर जे जब अपने कैबिन से बाहर निकलता है तो देखता है हनी देर रात तक ऑफिस में बैठ के काम कर रही होती है। तो मिस्टर जे हनी के पास जाके कहता है क्या मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में हेल्प कर दूं? अगर हेल्प चाहिए तो मेरे कैबिन में आ जाओ। ये सुनते ही हनी काफी खुश हो जाती है और मिस्टर जे को कहती है सर आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ये सुनते ही मिस्टर जे हनी को देखता ही रह जाता है, जिसके बाद दोनों एक साथ होके वर्क करने लगता है, जहाँ पे दोनों और नजदीक आ जाता है और दोनों में प्यार होने लगता है। मिस्टर जे हनी के लिए कॉफी लेके आता है तो देखता है हनी वहीं पे सो गई होती है। तो मिस्टर जे वहीं पे बैठ के हनी को देखने लगता है और सोच रहा होता है काश मैं तुमसे पहले मिला होता तो इतना बुरा काम कभी नहीं करता। इधर तेज बारिश में जिन गो को ढूंढने उसी जगह आ जाती है जहाँ पे वे दोनों 5 साल पहले पहली बार मिले थे। जिन गो को जोर जोर से आवाज लगा रही होती है कि तभी उधर से गो निकलता है और रोते हुए इधर से उधर कर रहा होता है। जिन जो ही गो को देखती है तो जल्दी से गो के पास आती है और उसे पूछती है तुम रो क्यों रहे हो। तो गो जिन को वो तस्वीर दिखाता है और कहता है शायद मैंने ही उस दिन तुम्हें ट्रक में बंद किया था लेकिन मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो जिन गो को हक कर लेती है और कहती है मुझे तुम पे यकीन है, तुम कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकते, खुद को दोषी मत मानो। जिन किसी तरह गो को लेकर घर आ जाती है और सारी बात गो को बताती है कि जब उस दिन मैं तुमसे मिली थी तो तुमने मुझे कहा था मिस्टर जे मेरा अच्छा भाई नहीं है, तो मैंने तुम्हें थैंक्स के तौर पर एक बुके दी थी और थोड़ी देर के बाद बहुत सारे गुंडों ने तुम्हें घेर लिया था तो मैं तुम्हें वहाँ बचाने गई थी लेकिन तुम खुद वहाँ से भागकर मेरे पास आ गए और मुझे भी लेकर भागने लगे। फिर हम दोनों एक गाड़ी में बैठकर जल्दी से वहाँ से निकल गए और फिर हम दोनों आइसक्रीम भी खाए और बहुत सारे बातें भी की।
तभी तुम मेरे फोटो खींचने लगे और मुझसे मेरा नाम और एड्रेस भी पूछा। मुझे बस इतना ही याद है। ये सारी बातें जानने के बाद गू जिनको हक कर लेता है और बोलता है, सॉरी अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। इधर मिस्टर जे का फ्रेंड डू फिर से मिस्टर जे को भड़का रहा होता है और कहता है, क्यों ना हम जिन और गू को फंसा देते हैं और वे दोनों की सारी प्रॉपर्टी हम सब मिलकर बांट लेंगे। लेकिन मिस्टर जे अब बुरा काम नहीं करना चाह रहा होता है, उसका तो पूरा ध्यान बस हनी की तरफ होता है। ये देख कर डू भी समझ जाता है और गुस्से से यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लंच टाइम में हनी मिस्टर जे को ढूंढ रही होती है कि तभी वहाँ पे मिस्टर जे भी आ जाता है। तो हनी मिस्टर जे को देखते ही जल्दी से उसके पास जाके उसे हक कर लेती है और कहती है, मेरा प्रपोजल पास हो गया, आपने मेरी बहुत हेल्प की, इसके लिए थैंक्स। तभी हनी देखती है कि मैं मिस्टर जे को हक कर लिया है तो वो जल्दी से मिस्टर जे से दूर हट जाती है और काफी शर्मा रही होती है। तभी वो अपने पर्स से एक लंच बॉक्स निकालकर मिस्टर जे को देती है और थैंक्स बोलकर यहाँ से जाने लगती है कि तभी मिस्टर जे हनी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आज रात मेरे साथ क्या तुम लंच पर चलोगी? तो हनी कहती है, आज नहीं जा सकती, मुझे आज बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। वो फिर से जा रही होती है कि तभी मिस्टर जे हनी का हाथ फिर से पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच के हक कर लेता है और बोलता है, इस लंच बॉक्स के लिए थैंक यू। हनी भी मिस्टर जे को पकड़ना चाह रही होती है कि तभी अचानक से मिस्टर जे यहाँ से चला जाता है। इस समय मिस्टर जे काफी इमोशनल होता है और इधर जिन को जब भी वो ट्रक में बंद होने वाली बात याद आती है तो वो डर के मारे सहम जाती है। ये देखते ही गू जल्दी से उसे हक कर लेता है और कहता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, जिसने भी तुम्हें उस दिन ट्रक में बंद किया था मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी गो जिन को लेकर अपने घर आता है, जहाँ पे जिन गो के स्टेप ब्रदर से पूछती है, बताओ उस दिन किसने मुझे ट्रक में बंद किया था? जिस पर वो कहता है, गो के सिवा तुम्हें और कौन बंद कर सकता है, ये वीडियो देखो। जिन वो वीडियो देखती है लेकिन वो आधा अधूरा ही वीडियो होता है। तो जिन कहती है, सच्चाई मुझे बता दो वरना मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। तभी जिन को मिस्टर जे कॉल करके जल्दी से ऑफिस आने को कहता है। तो जिन भी गो को लेकर गुस्से में कंपनी आ जाती है। तभी दोनों को देखते ही मिस्टर जे का फ्रेंड डू दोनों को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। वो जो ही चाकू लेकर एंट्री करता है कि तभी वहाँ का सिक्योरिटी मशीन जोर जोर से आवाज करने लगता है, जिसकी वजह से सब उसे पकड़ लेता है। इधर ये दोनों मिस्टर जे के पास आता है तो मिस्टर जे जिनको कहता है, मैं तुमसे अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो जिन गो को वहीं रुकने को बोलकर अंदर चली जाती है, जहाँ पे मिस्टर जे जिनको बताता है कि उस दिन गू नहीं बल्कि मेरे फ्रेंड डू ने तुम्हें ट्रक में बंद किया था और ये प्लान हम दोनों ने मिलके बनाया था। मैं तो बस इतना चाहता था कि तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट कर ले। तभी वहाँ पे अचानक से गू आ गया और तुम्हारी आवाज को सुनकर ट्रक को खोलने की कोशिश करने लगा, फिर भी ट्रक का गेट नहीं खुला तो वो ट्रक का गेट खोलने के लिए कुछ सामान को ढूंढने लगा। तभी उसने मुझे देख लिया और तुम्हें बचाने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट करने लगा। वो तुम्हें बचाने जा ही रहा था कि तभी पीछे से मैंने उसके सर पे एक जोरदार कील वाले स्टिक से मारा, जिसकी वजह से वो वहीं पे बेहोश हो गया और मैं जाके तुम्हें बचाया, मुझे माफ कर दो। ये सुनते ही जिन गुस्से से पागल हो जाती है और कहती है, अगर तुम ये सब नहीं भी करते ना फिर भी मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट करती, लेकिन तुमने जो हम दोनों के साथ किया उसे हम दोनों की जान भी जा सकती थी। जिस पर मिस्टर जे कहता है, इसीलिए तो मैं पुलिस में जाके सब सच बताऊंगा और अपना गुनाह कबूल करूंगा। और एक बात, क्या ये प्लांट तुम हनी को दे सकती हो और उसे कहना अपना ध्यान रखने को? तो जिन उसे हाँ कह के जल्दी से बाहर आ जाती है और गो को देख कर भागते हुए उसके पास आती है और जल्दी से हक कर लेती है। जहाँ पे दोनों को याद आता है कि 5 साल पहले भी जिन ने गो को कहा था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। और ये एपिसोड के साथ साथ ये ड्रामा भी यहीं पे एंड होता है। अगर ड्रामा का एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक कर दे एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।